मैं नी होर बहारा नू सड़न दिता, भावें अपने बाग वैरान हो गए, हथी छां कीती लखां पुत्रां नू, मेरे चारे दे चारे कुर्बान हो गए। उदों तक है जुल्म दी जिंदगानी, जद तक खून शहीदां दा डुलदा नहीं, जदों खून शहीदां दा डुल जांदा, झक्खड़ फिर अन्याय दा झुलदा नहीं। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक, रूहानियत दे मुजस्मे लोक ते परलोक दे रखियक, सर्बसांझी वालता दे प्रतीक, दुनिया दे राहबर पीराने पीर समर्थ पिता सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी विचारां आरंभ करन तों पहलां सारे अदब सहित सतगुरु जी नूं चुकाओ शीश, बोलण दी दिओ शीश, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, पिछलेरे दिनां तों आपां इतिहास दी लड़ी नाल जुड़े होए हाँ। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब दी धरती ते ने, पहाड़ी राजियां दी कोई पेश नहीं जांदी। जिहड़े जंग दे विच युद्ध करदियां वजीर खान दे जिहड़े पहाड़ी राजियां दे फौजी मरे ने ना, उहनां दीआं घरवालियां जा जा के भीम चंद दे सामने वैण पाउंदियां ने, तू साडा इन्ना भारी नुकसान किया, दस तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल लड़ के लैना की है, तू बिना मतलब तो जगह जगह उन्होंने नाल युद्ध रचा के बैठ जाना और इन्ना भारी नुकसान किया है, दस जिहड़ा नुकसान होया इहदा खमियाजा कौन भरेगा। किन्नियां ओ पहाड़ियां दियां औरतां, किन्ने मुगल सिपाहियां दियां औरतां जिहड़ियां रोज़ वैण पाउंदियां ने, इहदी कोई पेश नहीं जांदी। संगत जी, इन्हें दुखी होए ने, उन्हां दी कुरलाहट ना सुनी जांदी है तो सहारी नहीं जांदी, ते फिर इन्हें एक मता पकाया बाद दे विच, फिर राजा केसरी चंद, राजा भीम चंद, अजमेर चंद, सारे राजे पहाड़ीए इकट्ठे होए ने, इन्हां सोचिया आपां बड़ी कोशिश कीती है आनंदपुर साहब दे किले नूं किसे तरीके नाल जित लिया जाए, पर अपनी हार हुंदी रही हर वारी। जिन्नी देर तक गुरु साहब किले चो बाहर नहीं आते, उन्नी देर तक आप जित ही नहीं सकते। आप इंज करिए, अपने वालों कोशिश करिए भी किसी तरीके नाल इस किले दे विच प्रवेश कर जाइए। नालों कोई राजा बोलिया भी किले दे विच प्रवेश करना कोई खाला जी का वाड़ा थोड़ा है, उहदे एडे एडे सख्त दरवाजे। तो फिर अजमेर चंद बोलता भी एक दरवाजे तोड़े भी तो जा सकते ने, कहिंदे किवें, कहिंदा मैं एक तुहानूं तरदीप दसदा हाँ, ये दरवाजा इस तरीके नाल आपां तोड़ांगे। एक मस्त हाथी करके उन्हूं शराब पिया के मस्त हाथी नूं तोरिया जाए किले दे दरवाजे वल, वो जदों जा के दरवाजे नूं टक्कर मारेगा, दरवाजा टुट जाएगा, आपां सारी सेना लै के किले दे विच प्रवेश कर देवांगे, झाटी तो आप लड़ाई का हिसाब किताब मुका लेना। तैयारी करके अपने वालों बहुत सारिया फौजा कट्ठिया करके इन्होंने एक हाथी रज के शराब पियाई। जदों शराब के अन्ना हो गया ना, तो एक गल चेते रखनी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के बोल ने, नानक हस्ती कुंडे बाहरा उजड़ मेरा पाए। जदों हाथी दे उत्ते बैठा होया महावत कुंडे दे नाल इशारा ना ना करे, ते हाथी संगत जी फिर किसे पासे नूं भी चढ़ाई करके जा सकदा है। जदों मस्त हाथी अगे अगे तुरदा है, ते मगर फौजां ने
ये इधर किले नूं दरवाजा तोड़न की तैयारी कर रहे ने। इधरले पासे किले दे विच वी सतगुरु दे सूईए ने आण के खबर दे दित्ती, महाराज अज पहाड़ी राजे जिहड़े ने उन्होंने सलाह की है कल किले का दरवाजा तोड़नगे। तो गुरदेव पातशाह महाराज मुस्कराए, कहिंदे कोई गल नहीं, जे हाथी नाल दरवाजा तोड़ना चाहुंदे ने तो साडे कोल वी हाथी ने, असीं अपना हाथी भेज देंगे हाथी दे मुकाबले ते। सिंघां ने हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज अपने कोल किहड़ा हाथी है? तो सतगुरां ने दुनी चंद वल इशारा किया। पातशाह जी कहिंदे ने साडा हाथी है, ये लड़ेगा युद्ध दे विच। संगत जी ये दूजिआं नालों वध राशन खांदा सी, दूजिआं नालों वध दुध पींदा सी, किन्ना किन्ना कड़ा छक जांदा सी, सतगुरां नूं माण सी इहदे ते। जदों दुनी चंद नूं पता लग्गिआ ना वी कल नूं हाथी दे नाल मुकाबला होणा, आण के कहिंदा महाराज बंदे नाल बंदा लड़े ते गल चंगी लगदी है, महाराज दसो हाथी नाल कोई बंदे दा वी मुकाबला है? आखो सतनाम। संगत जी जदों किसी के अंदर ढेंदी कला आउंदी है ना, हार भी उहदी उदों ही हुंदी है जदों ढेंदी कला विच चला जांदा है। चढ़दी कला दे विच रहे तो जित परमात्मा करवाउंदा उहदी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जीवन पढ़ के वेखो, उहनां दे सिखां दा जीवन पढ़ के वेखो, साहिबजादियां दा जीवन पढ़ो, तुहानूं पता लग जाएगा वह चढ़दी कला दे विच ही रहे ने। गुरदेव पातशाह महाराज आनंदपुर साहब का किला छड़ जांदे ने, चारे पुत्र कुरबान हो जांदे ने, तां वी चढ़दी कला दे विच ने। मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। इधर दुनी चंद जिहड़ा ढेंदी कला विच चला गया, इहने नालदियां नाल रातों रात सलाह की, इस तरह कल नूं मरन दे नालों आपां अज ही अपनी जान बचा के निकल चलीए, कल नूं पहाड़ी राजियां दा मस्त हाथी जदों आण के टक्कर मारेगा, किले दा दरवाजा टुट जाएगा, पहाड़ियां ने अपनियां फौजां लै के अंदर प्रवेश कर जाणा ते अपने तो नस्या नहीं जाणा। ते एवें जाना गवाउण नालों आपां अज ही किले दी कंध टप के ते निकल चलीए। जिहड़े इहदे नाल दे ढेंदी कला वाले सन ना, उह वी इहदे काफले दे विच शामिल हो गए। सियाणे गुरु के सिखां ने समझाउण दा यतन भी किया पर नहीं इहनां दे पल्ले कोई ना पई। संगत जी इहनां ने एक बहुत वड्डा रस्सा जिहड़ा है उह तैयार किया ते किले दी दीवार तो बाहर सुट दिता। उस किले दी दीवार तो रस्सा फड़ के उपर चढ़े, रस्से दे सहारे किन्ने लोग जिहड़े ने दुनी चंद दे जथे दे उह किले दी दीवार तो पार हो गए। जदों दुनी चंद आप रस्सा फड़ के लमकण लगा ना ते इहदा भार ज़्यादा सी, ते रस्सा टुट गया ते थले डिगा, लत टुट गई। खैर दे नाल दिया ने नूं चुकिया, शरीर भी बहुता वजन वाला सी मुक दी गल सप लड़के दी मौत हो गई। मूसा डरिया मौत तो, मौत अगे खड़ी। इधर गुरदेव पातशाह महाराज सारा कुछ उन्हां नूं पता लग गया, अंतरजामी सतगुरु ने सवेर हुंदिया सारी पातशाह जी नूं आण के किसी ने खबर दित्ती, महाराज तुहाडा हाथी दुनी चंद ते महाराज राज दा किले दी कंध टप के चला गया। पातशाह कहिंदे फिर की होया? साडा बचित्र सिंह लड़ेगा हाथी दे नाल, इह कारे दे कद दा ए, बहुता उच्चा लम्मा शरीर भी नहीं, भाई मणी सिंह दा पुत्तर ए। चेते रखिया जे इह गल्लां, भाई मणी सिंह दे परिवार दे विच 73 शहीद होए ने, कुल मिला के उन्हां दी जिहड़ी गिनती उह 73 ए विद्वानां ने कीती। भाई मणी सिंह दा पुत्तर बाबा बचित्र सिंह सतगुरु जी कहिंदे ने युद्ध दे विच लड़ेगा। गुरदेव पातशाह महाराज ने थापड़ा दिता है, बाबा बचित्र सिंह जी गल विच पल्ला पा के खड़े ने, महाराज हाथी दे नाल युद्ध ते तुसीं आप ही करना, मेरा ते एवें बहाना ही बनाउंदे हो। संगत जी बाबा बचित्र सिंह जी पूरी तैयारी कर लेंदे ने, भाई उदय सिंह अत्याधिक गुरु के सिख जिहड़े ने तैयार पर तैयार ने। जिवें ही पहाड़ी राजियां ने अपनी व्योंतबंदी मुताबक चढ़ाई की ना, मस्त हाथी अगे लाया ते पिछे अली अली दे नारे लाउंदे होए तुरे आ रहे ने। जिवें ही उन्हां दी फौज नेड़े आई, बाबा बचित्र सिंह जी दे इशारे दे नाल झाटी गढ़ी दा आनंदपुर साहब दे किले दा गेट खुलिया ते बाबा जी बाहर निकले।
सामने आते हुए हाथी दे सामने घोड़ा लिजा के उन्हों इशारा किया, उन्हें दोवें पौड़ चुक ले अगले। बाबा बचित्र सिंह जी ने रकाबां दे विच खलो के फिर दोवां हत्थां दे नाल पूरे जोर दे नाल जदों नागनी बरछी मारी ना तो सत तव्यां नूं पार करके उस हाथी दे मत्थे दे विच जाके वजी। जदों हाथी दे मत्थे दे विच बरछी वजी ना संगत जी वह फिर एकदम पिछे नूं मुड़िया। हुण उहनूं तां नहीं सी ना पता भी पिछे जिहड़ियां फौजां ने शराब मैनू उन्होंने पियाई वो मेरे मित्र ने। वो फिर नानक हस्ती कुंडे बाहरा जो पिछे नू भज्या ना तो फिर उन्हें बहुत सारा पहाड़ियाँ दी फौज का नुकसान किया। कई नौजवान उन्हें अपने पैरों के थले लताड़ के मार दिते, बहुत भारी नुकसान होया। इधर केसरी चंद भी इसे ही लड़ाई दे विच मारिया गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सिंघां ने जयकारे छड़े ते इस लड़ाई दे विच सतगुरां दी जित होई। हुण पहाड़ी राजे सोचते ने भी किसी तरीके नाल किला खाली करवाया जाए। महाराज साडी बेनती है कुछ समय लई तुसी किला आनंदपुर साहब दा जिहड़ा ना महाराज इह छड्ड दिओ। इन्हां ने फिर अपने वल्लों एक आटे दी गां बना के पम्मे पुरोहित नूं इहदा आनंद नाम परमानंद सी ते गुरु के सिंघां ने इहदा नाम परमानंद बदल के पम्मा रख दिता सी। वो इस करके कहिंदे ने परमानंद ते ना है परमात्मा दा, पर तेरा ते एक भी गुण परमात्मा वाला तेरे विच नहीं, तू जगह जगह धोखे करदा है, इस करके इहदा नाम पम्मा ही लैंदे सन। पम्मे पुरोहित नूं भेजिया है, उन्हें आण के पहाड़ियां वल्लों लिखती चिट्ठी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं दित्ती। गुरदेव पातशाह महाराज इस चिट्ठी ते विचार करदे ने, गुरु के सिंह सतगुरां दे कोल खलोते ने। पातशाह कहिंदे ने सानू पता इन्हां ने धोखा करना है, पर जे असीं इस चिट्ठी ते विचार करके किले आनंदगढ़ नूं आनंदपुर साहब नूं ना छड्डिया ते कल नूं लोक इह वी कहणगे भी गल किन्नी कु सी, उह विचारे सौवां खांदे सन, उह कसमां खांदे सन, महाराज मन लैंदे उहनां दी कसम नूं, छड्ड दिंदे क्यों? इन्नी नौजवानी का खून महाराज ने डलवाया, क्यों इन्ना नुकसान किया, जानी माली नुकसान ये सतगुरां दा तां होया क्योंकि उन्हां दी कसम ते भरोसा नहीं सी कीता। गुरदेव पातशाह महाराज जी ने प्रवान कर लिया भी असी आनंदपुर साहब के किले नूं खाली कर जावांगे। हुण चेते रखना ये वो वाली रात नहीं, अजे छे पो दी, ये उस तों पहलां दी घटना है 1701 दी। सतगुरु जी आनंदपुर साहब नूं खाली करके तो निरमोहगढ़ चले ने, जिहड़ा आपां इतिहास विच पढ़दे ना भी निरमोहगढ़ दा किला, आनंदगढ़, केशगढ़, लोहगढ़ किले, निरमोही इस नगर दा नां सी। बाद विच सतगुरां ने इहदा नां निरमोहगढ़ किला रख दिता जदों किला बनवाया। यह आनंदपुर साहब तो 3 कु मील की दूरी ते कीरतपुर साहब वाले पासे, जिहड़े तुहाडे विचों यात्रा करन गए होणगे उन्होंने वेख्या होएगा। 3 मील की दूरी ते ये पहाड़ी दे उत्ते एक किला है। गुरदेव पातशाह महाराज ने सारिया सिंघां नूं हुक्म कर दिता भी आपां उधर नूं चलना। खैर अजे सतगुरु जी किले तो बाहर ही आए ने आनंदपुर साहब दे, ते इन्हां ने अपनियां कसमां जिहड़ियां ने छिक्के ते टांके ते सतगुरां ते पिछों हमला करन दी कोशिश कीती। गुरदेव पातशाह महाराज इन्हां नाल लड़दे हुए निरमोहगढ़ दी धरती ते पहुँच गए ने। भाई ईश्वर सिंह जी ने लिखिया भी सतगुरु जी शाम दे समय उपर पहाड़ी दे चोटी ते बैठे हुए ने, ते गुरदेव पातशाह महाराज नूं एक गुरु का सिख जिहड़ा है वह पखा झलण की सेवा करदा पिया। इधरों पहाड़ी राजियां दे किसे फौजी ने वेख्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जिहड़ी कलगी है ना हीरियां जड़त, सूरज दियां किरणां पैंदियां ने तो उहदी चमक जिहड़ी लश्कारे मारदी है। वह कहिंदा भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सामने बैठे ने, जे इस वेले मेरे कोल तोफ हुंदी ना ते मैं इक्को गोला दागना सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का कम तमाम कर देना सी, पर बदकिस्मती साडे कोल तोफ नहीं, उत्थों तक तीर की मार नहीं हो सकती।
उस वेले ही अजमेर चंद ने भीम चंद ने इन्होंने उस वेले तैयारी करवा के ते धोखे नाल रातों रात उत्थे तोफ का भी प्रबंध कर लिया। जदों कल गुरु साहब इत्थे बहणगे ना ते तू इक्को ही गोला दागना है ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं मार दे, बाकी सारे झगड़े आपे ही खत्म हो जाने ने। तोप जी नूं बहुत भारा इनाम देना कर लिया, मन लिया, तैयारी कर ली गई। उन्हें आख्या तुसी फिक्र ना करो, सारा दिन उडीक करदा रहा। जदों शाम दे समय सतगुरु जी उत्थे बैठे, उही गुरु का सिख आण के पखे दी सेवा कर रहा। इस फिर तोप जी ने शिस्त बन के जदों गोला चलाया ना तोफ दा, ते ओ जिहड़ा सेवादार सतगुरां दी सेवा कर रहा सी पखे दी, उन्हें खड़ाक सुनिया, वो एकदम सतगुरां दे अगे हो गया ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਫ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਫ ਦਾ ਗੋਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤੋਪਚੀ ਨੇ ਅਜੇ ਦੂਜਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗਣਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਦੂਜਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੋਫ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਪਹਿਲਾ, ਸਫ਼ਰ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ 17ਵਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਮਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਫ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਓ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਿਰਪਸੰਗ, ਪਏ ਆਜ ਪੀ ਦੀ ਰਗ ਜੰਗ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਮ ਤਨ ਦੇ ਕਰ ਲੜੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਬਚਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਮ ਤਨ ਦੇ ਕਰ ਲੜੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਪਣ ਚੁਮੰਗ ਮੈਂ ਸਗਰੀ ਢੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਰੇ ਸੈਂਕਰੇ ਸੁਪੱਟ ਤੁਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਮਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਮਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੇ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਮਰੇ ਸ਼ੈਂਕਰੇ ਸੁਪੱਟ ਤਰੰਗ, ਪਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਾਇਲ ਅੰਗ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ। ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਬੈਠ ਮੋਰਚਨ ਮਾਰ ਮਚਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੈਠ ਮੋਰਚਨ ਮਾਰ ਮਚਾਈ, ਹਮ ਮੈਦਾਨ
सन मुख बहु आई, असी उन्हां दे सामने मैदान दे विच सी। दसो असी किवें जाना बचा सकते सी, तुसी क्यों ना इहदे बारे सोचिया। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उत्थे जाके एड्डी वड्डी तैयारी कर ली सी ते फिर जरूर लड़ाई करनी सी, किते होर कर लेंदे। इस तरह कोस रहा सी ते लड़ाई दे विच हार जिहड़ी है फिर पहाड़ी राजिआं दी ते वजीर खान दीआं फौजां दी होई। अगला दिन चढ़िया ते बसाली दा राजा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दर्शनां नूं आया। उन्हें बेनती की, महाराज तुसीं इत्थे निरमोहगढ़ ना रहो, महाराज मेरे नाल बसाली नगर चलो। गुरदेव पातशाह महाराज कहिंदे जे असीं अज ही चले गए ना ते पहाड़ी राजे मगरों खुश होणगे वी महाराज पता नहीं हार मन के चले गए ने, अजे कुछ फट्ट पए ने जिन्हां दे असीं शरीरां नूं वी संभालना है। राजन तुसीं चलो, असीं तेरे कोल कल तक पहुँच जावांगे। गुरदेव पातशाह महाराज ने राजे की बेनती ते तैयारी कर ली। इधरों जिहड़े फट्टड़ होए सन उन्हां दी संभाल कीती गई, जिहड़े सिंह चढ़ाई कर गए सन उन्हां दे शरीरां नूं बिले लाया गया। तो गुरदेव पातशाह महाराज अगले दिन जाण दी तैयारी विच ने, ते पहाड़ी राजिआं ने फिर धोखे दे नाल सतलुज दे कंढे ते घेर लिया। उत्थे फिर युद्ध होया जिहदे विच भाई साहिब चंद जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी फौजां दे जरनैल, जिहड़े हज़ार फौजियां दी अगवाई कर रहे सन, हज़ार फौजी गुरु के सिंह जिहड़े ने उन्हां दी अगवाई बाबा अजीत सिंह जी कर रहे सन। बाबा अजीत सिंह जी वाला जथा जिहड़ा उह पार हो गया सी सतलुज तों, ते भाई साहिब चंद जी वाला जथा जिहड़ा उह अजे पिछे सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज विच विचकाले सन। उत्थे फिर युद्ध हुंदा है, उत्थे फिर जमतुल्ला खान उन्हां दा जरनैल मारिया जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जरनैल भाई साहिब चंद जी उत्थे फिर शहीद हुंदा है। सतगुरु जी नूं जदों भाई साहिब चंद दे शहीद होण दा पता लग्गिया ना, फिर पातशाह घोड़ा लै के एकदम बिजली वांगू गड़क के वैरियां ते टुट पए, भाजड़ां पै गईआं एकदम मैदाने जंग दे विच। ते गुरदेव पातशाह महाराज दे इशारे दे नाल भाई साहिब सिंह जी का शरीर संभालिया गया। संगत जी, इस तरह दे नाल ये निरमोहगढ़ दी युद्ध होई सी, जिहड़ा मैं तुहाडे नाल प्रसंग शेयर कीता है। ये 1701 दे विच सतगुरां ने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया सी, ते फिर बसाली जाके वसे। कुछ होर नगरां तों हुंदे होए दुबारा फिर 1702 नवंबर दे महीने विच महाराज आनंदपुर साहब फिर आ जांदे ने। 1704 नूं फिर 6 पोह दी रात नूं सतगुरु जी इस आनंदपुर साहब दे किले नूं छड्डणगे। गुरदेव पातशाह महाराज फिर अगला चमकौर दा युद्ध ते साहिबजादियां दी शहादत वाले दिन आप जी अगले प्रसंग दे विच सरवण करोगे। प्रसंग दी सांझ पाउंदिआं गुरदेव पातशाह महाराज दे सिंघां दी शहादत नूं चेते करदिआं बेअंत होईआं भुल्लां पातशाह बख्शण योग हन। प्यार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।